बेवफाई का बदला लेने के लिए, दुश्मन को सजा देने के लिए पीपल के पत्तों से किया जाने वाला ये टोटका बड़ा अचूक है। अगर आप किसी को बेवफाई की सज़ा देना चाहते हैं, किसी को सज़ा देना चाहते हैं घर बैठे और वो दूर है, उसे आप कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टोटका बड़े काम का है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस टोटके के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। अगर आप किसी को बेवफाई की सज़ा देना चाहते हैं या कि दुश्मन को सजा देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये नक्श जो है, जो पीपल के पत्तों पे किया जाएगा, ये जो टोटका है, ये बड़े काम का है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसको किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे को आज़माने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही पावरफुल टोटका है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसको किसी ऐसे वैसे काम के लिए, किसी छोटी सी तूतू मैमे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए जहाँ पे बात बड़ी हो जाए। जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की को शादी का झांसा देकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, उसके बाद में मुकर गया। इसी तरह से कोई बड़ा इशू हो, कोई बड़ा मुद्दा हो जहाँ पे आप किसी से कुछ कह ना सकें और अपने दर्द को सह ना सकें, वहाँ पर आप जो है इस टोटके को करके उसको सबक सिखा सकते हैं और उसको सजा दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये प्रोसेस क्या है, ये टोटका क्या है, इसको कैसे किया जाता है। आपने क्या करना है कि आपके आसपास में कोई जानवर देखना है, ऐसा जानवर जो पत्ता खाता हो, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, ऐसा। अगर बकरी का बच्चा आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी जानवर जो पत्ता खाता हो, जो पीपल का पत्ता खा सके, उसको आप देख लीजिए। अगर आपके घर में जो है कोई ऐसा जानवर है तो बड़ी अच्छी बात है। आपने क्या करना है कि मैं यहाँ बकरी के बच्चे की मिसाल लेके आपको समझाऊंगा, बाकी आप जैसे जो जानवर हो वैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक बकरी का बच्चा खास कर लेना है और उस बेवफा, उस दुश्मन, जो भी आपका टारगेट है, बेवफाई है या दुश्मनी है, उस दुश्मन का या उस बेवफा का नाम उस बकरी के बच्चे का रख देना है। बकरी के बच्चे का नाम भी वही रख देना है जो जिसने बेवफाई की है, यानी जो दुश्मन है उसका नाम रख देना है वही नाम। उसके बाद में आपने क्या करना है कि हमारा ये जो नक्श है पीपल के पत्ते पर, आपने इसी नक्श को बनाना है। 11 पत्ते लेना है और 11 के 11 पत्तों पर यही नक्श आपने बना लेना है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप इसको हूबहू ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं जिस तरह से मैंने बताया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इस नक्श को कॉपी कर लीजिए पीपल के पत्ते पर, 11 पीपल के पत्ते लीजिए और 11 के 11 पीपल के पत्तों पर आप यही नक्श जो है कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में इसको बकरी के बच्चे को खिला दीजिए, एक एक करके बकरी के बच्चे को खिला दीजिए। और याद रहे उसका नाम भी उसी के नाम पे रखना है। नाम रख दिया और इस बकरी के बच्चे को आपने 11 नक्श रोज़ाना खिला देना है। और इसी तरह से आपने 41 दिनों तक, 41 डेज तक करते रहना है। यहाँ पे आप घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, 41 डेज 41 दिन ऐसे निकल जाएंगे, बस आप पेशेंस के साथ करते रहिए करते रहिए, आगे देखिए कमाल क्या होता है, करते रहिए। 41 डेज तक आप जो है करते रहिए कि रोज़ाना 11 पत्ते लाइए, 11 पत्तों पर ये नक्श बनाइए, नक्श बना के आप जो है उस नाम रखे हुए बेवफा या दुश्मन के नाम पे जो आपने बच्चा पाल रखा है उसको जो है आप खिलाते रहिए। 41 डेज कंप्लीट कर लीजिए। अब कमाल देखिए, 41 डेज कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, 41 डेज के बाद
उस बकरी के बच्चे का बाल काट लीजिए। बाल काटने के बाद में आप इस बाल कटे हुए बालों को आग लगाइए, माचिस लगा के या कि बाल को जो है थोड़ा थोड़ा करके आग में डालते जाइए। ऐसा करने से आप क्या देखेंगे कि ना तो उस बंदे का नाम लगा यहाँ पे, ना ही तो उसकी फ़ोटो है आपके पास, ना ही तो कोई और डिटेल है आपके पास। बस उस बकरी के बच्चे के बाल को जलाना होगा कि वो सख्त तकलीफ़ उसको होने लगेगी और बहुत ही बड़ी परेशानी में परेशानियों से वो घिर जाएगा। और इस तरह से आप उसको सबक सिखा सकते हैं और अपने बेवफाई का बदला ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ कि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टोटका है। वहीं पे फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि छोटी मोटी बात के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि छोटी मोटी बात के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आप कामयाबी भी हासिल ना कर सकें। वहीं पे आपको एक बात बताना और ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें किसी भी तरह का डीएनए नहीं है, दुश्मन का किसी तरह का डीएनए नहीं है, नाम नहीं है, फ़ोटो नहीं है। फिर ये काम किस तरह करता है? ये काम करता है आपके विश्वास पे, ये काम करता है आपके बिलीव की पावर पे, बिलीव का पावर बहुत बड़ा होता है। ये काम करता है आपकी कल्पना पे, और ये जो नक्श है ये काम करता है, ये नक्श आपकी कल्पना को, आपके दिमाग की ताकत को और उसके नाम को जो आपने वहाँ रखा है बकरी के बच्चे का। हालांकि ताबीज़ में नक्श में कहीं नाम नहीं है, ना फोटो है, कुछ नहीं है, लेकिन बकरी के बच्चे का नाम आपने उस दुश्मन या बेवफा के नाम पे रखा है। वहाँ से नक्श से और ताकत से, बिलीफ से, ये जो है बड़ा हैरत अंगेज टोटका है। तो इस टोटके के मदद से आप जो है बड़े से बड़े बेवफा को, बड़े से बड़े दुश्मन को घर बैठे दूर से सबक सिखा सकते हैं और उसे तड़पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।